भाई देखो बत्तख के बच्चे हैं यहाँ पर, ये कुछ ऐसे ऐसे डिग डिग करके चल रहे थे। तब हम नहाए भी हैं इसके अंदर। यहाँ पर पहले बहुत छोटा होता था, फिर ये बना के बड़ा कर दिया। अपनी मंडी में कबूतर देखो, इतने कबूतर हैं अभी उड़ नहीं रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कौशिक दी ट्रैवलर में। और आज के दिन की शुरुआत दिन के 1 बजे के साथ हुई है, क्योंकि हम लोगों को मंदिर में करवाना आज अभिषेक। उससे पहले चला हुआ था संगम भैया का अभिषेक। संगम भैया ने रखा था 11 बजे का टाइम, और कल हमने लॉग इन किया। कल मैं कैथल गया था, थोड़ा सा जाके मैं वापस भी आ गया। बीच में रास्ते में एक बार वीडियो बनाई और मैं वापस आ गया। फिर हमने आके सारा सामान इकट्ठा किया, बहुत सारा सामान था, पत्ते वगैरह ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की। और अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में फैमिली के साथ, और यहाँ पर बंदर भी बैठे हुए हैं बहुत सारे ऊपर। वो बैठे देखो, बच्चे को लेके बैठे, छोटे से बच्चे को लेके, तो वो थोड़ी साइड में चली गई। अब बहुत सारे बंदर यहाँ पर बैठे ही रहते हैं हमेशा अब यहाँ पर। और यह आरती संगम भैया की पूजा हो चुकी है पूरी, उसके बाद अपनी होएगी। कल भी थे मंदिर में, और कल हमने यहाँ पर बत्तख के बच्चे भी देखे थे। बत्तख नहीं है, किसल में एक पक्षी सा है, वो बूढ़ भी रहता है और पानी में रहता है, उसके बच्चे थे। आप फ्लैशबैक में देखो यार, कल हुआ क्या क्या। कल हम मंदिर में भी गए थे, तो सब जगह की वीडियो अभी देखोगे। ये रे भाई देखो, बत्तख के बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बत्तख के बच्चे हैं। इनकी माँ उड़ के उधर चली गई, हमको देखे। अब ये लाइन बना के चल रहे थे इधर, चलो इनको यहीं पे छोड़ देते हैं, रिलैक्स एडर रहे हैं। वैसे इधर मंदिर में हम वो देखने के लिए इधर चले गए थे। इनकी माता जी तो उड़ गई, बत्तख तो उड़ गई, अभी आएगी वो इधर आ गई आसपास। लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं बिल्कुल, यहाँ पे ना बस कुत्तों का डर है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। और बंदर भी बहुत है भाई यहाँ मंदिर में, वो बच्चे डरे हुए हैं। बंदरों की लड़ाई हो रही है भाई, बैठे हैं ना आराम से। वो रहे देखो, छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो कूद के ऊपर चढ़ गए। चलो इनको इनके साथ ही छोड़ देते हैं यहीं पे। लेकिन यहाँ पे क्या, कुत्तों का थोड़ा सा डर रहता है, कुत्ते आ गए ना तो इनको छोड़ देंगे नहीं। लेकिन बहुत क्यूट से अभी लाइन बना के चल रहे थे, जब माँ जब मैंने देखे ना, लाइन बना के अपनी मम्मी के पीछे ऐसे ऐसे डिग डिग करके चल रहे थे। बढ़िया। हमारे यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यात्रा भी निकली है, पता नहीं कैसी है, लेकिन रास्ता ब्लॉक है, तो हम इधर वाली गली से जाएंगे। बड़ी यात्रा निकली है भाई, सब हनुमान के ध्वज लग रखे हैं, बजरंग। इकट्ठे करते करते ना एक जगह गए थे, जहाँ पर हम आम के पत्ते लेने जाते हैं ना, आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा। अब की बार गए, सरप्राइज हो गया, वो आम भी नहीं मिला वहाँ पर, आम का पेड़ नहीं था वहाँ पर, मतलब काट दिया वो पेड़ को, वो पेड़ भी ख़त्म हो गया आम का। बहुत सारे पेड़ ख़त्म हो जा रहे हैं, उन्होंने भी किसी मजबूरी में काटा हो, क्योंकि वो खेत में था और पुराना भी हो गया था, उसके नीचे घर भी थे, कहीं उसके ऊपर ना गिर जाए ना, इस कारण से शायद काट दिया होगा। कल तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, और आज गर्मी भी बहुत है देखो भाई, धूप भी बहुत तेज निकली हुई है। हमारे यहाँ पर एक बार तो बारिश हुई, बाकी सब जगह बारिशें हुई, बाढ़ भी आ रही है, कई जगह पे पानी भरा हुआ है, दिल्ली में पानी भरा हुआ, सब जगह कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश एक ही बार हुई थी अभी तक, उस दिन के बाद मौसम तो ठंडा था, लेकिन आज तो भाई क्या गजब ही गर्मी हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा। ये हमारे तीर्थ का सीन है कुछ, यहाँ पर तीर्थ है, पहले इसमें पानी हुआ करता था पूरे में, अब काफ़ी साल से इसमें पानी नहीं है। पहले हम लोग नहाए भी हैं इसमें, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तब हम नहाए भी हैं इसके अंदर। यहाँ पर पहले बहुत छोटा होता था, फिर ये बना के बड़ा कर दिया, यहाँ वाला ऊपर स्टेप जो चलने वाला है, फिर यहाँ पर पानी के नहाने का दूसरे तरीके से बना दिया, और इसके ऊपर राउंड बना दिया पूरा घूमने का। अब इसमें पानी पता नहीं कब आएगा, अभी तक तो पानी आया नहीं, काफ़ी साल से ऐसे ही है। इसके पीछे वाले में काम चला हुआ, उसमें जेसीबी भी खड़ी है अभी भी, लेकिन कभी ना कभी तो होएगा ही पूरा, फिर इसके अंदर पानी आ जाएगा। और पानी आने से यहाँ का सीन होता है बहुत ब्यूटीफुल, पानी हो जाता है ना तो मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाले स्पेशली, वो वाला सबसे, वो वाला मंदिर, उसमें बैठते हैं ना पूरा एकदम बाहर दिखता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी अभिषेक का टाइम हो रखा है, बाहर रखे गर्मी, बंदर झूल रहे हैं पेड़ पे, शैतानियाँ हो रही हैं शैतानियाँ। वो गुंबज पर तो बिल्कुल छोटा सा है, वो बच्चा बैठा है छोटा सा बिल्कुल, और ये अपने बच्चों को लेके बहुत होते हैं भाई एकदम। मैं इधर पास में गया ना, काटने को आते हैं सीधे, इतने डुंजुर होते हैं बच्चे को लेके कोई रिस्क नहीं लेता। प्रजानंदन विमला शिव शक्ति शुकर तेन स्वामी जन्म कालिनी देवी सुगुरुवर
मंदिर में पूजा हो चुकी है पूरी और लगभग लगभग शाम के 6 बज चुके हैं। 6 बजे हम लोग पूजा करके फ्री हुए हैं और अब निकले हैं। मंदिर की सफाई भी करनी थी बाद में, क्योंकि पूरे टाइम आते रहते हैं ना श्रद्धालु, तो फिर मंदिर में गंदगी होती है, थोड़ी सफाई कर दी बढ़िया वाली। आज जा रहे हैं घर के लिए। मम्मी यहाँ पर भजन कर रही है इस वाले मंदिर में। अब हम जाएंगे बाहर और पुंडरी की फिरनी सब जगह बन रही है। ओ रिंकू भैया भी फेमस हो रखे हैं फिरनी बेचने में आजकल। बाय बाय। मंदिर से आने के बाद हमने थोड़ी सी देर किया रेस्ट और हम लोग अब रेडी हो चुके हैं। मैंने टी शर्ट भी बदल लिया क्योंकि गर्मी में बुरा हाल हो गया था। और अभी ना मैं बाहर निकला तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी बारिश दिखी, बिल्कुल हल्की हल्की लाइट सी बारिश है, वैसे ज़्यादा तेज नहीं है। सारे जानवर छत के नीचे आके खड़े हो गए हैं ताकि सिर में बारिश ना लगे। सिर में बारिश लगती है तो परेशान होते हैं। लेकिन ऊपर क्या बादल नहीं है, इधर साइड कोई बादल नहीं है, एक दो बादल है छोटा छोटा उधर की तरफ, और इसी की बारिश हो रही है। लेकिन अभी बाइक निकालते हैं और बाहर जाते हैं संगम भाई के पास, फिर देखते हैं करेंगे क्या। इस व्लॉग को भी पूरा करेंगे, एडिट करेंगे और डालेंगे। आज मैंने एक व्लॉग और एडिट करके डाल दिया है, तो आप लोग उस व्लॉग को जरूर से देखें और वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। मंडी में बहुत सारा मक्का आया हुआ है, पहली बार इतना मक्का देखा हमने अपनी मंडी में। और कबूतर देखो, इतने कबूतर हैं, अभी उड़ नहीं रहे, उड़ेंगे तब दिखेंगे, बहुत सारे हैं। रात में लगभग 12 बज रहे हैं और मैं बाहर आया था कपड़े वपड़े देखने के लिए, कहीं बाहर कपड़े तो नहीं पड़े हमारे। क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है ना भाई, हम तो एसी चला के पड़े थे अंदर, पता ही नहीं चला। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। ऊपर एक झंडा लगा हुआ वहाँ पे, वो दिख रहा है भाई, बहुत ही तेज़ बारिश है, मस्त वाली बारिश हो रही है। पेड़ से देखना कैसे दिखेंगे बूंदे, इस वाले को तो बड़ी मस्त लग रही है, इस वाले को तो बहुत बढ़िया लग रही है, बूंदे पड़ी है, चमक रही है बिल्कुल। क्या बात है, एक नंबर का मौसम हो गया। चलो अब आज की रात तो सो जाते हैं भाई, सुबह मिलते हैं आप सब। चल तो मैं सोने जा रहा हूँ, बस भीग गया, मेरे पैर पूरे भीग चुके हैं। नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप सबका गुड मॉर्निंग। और आज के दिन की शुरुआत हुई थी सुबह की टोस्ट के साथ। सुबह हमने ब्रेड टोस्ट खाए, फिर मैं सो गया क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज भी डबल डबल कर ली थी, तो मैं आके सो गया था आराम से। और एक हमारा पेट टूट गया देखो बारिश में, पापा ने उखाड़ ही दिया पूरा, ये वाला पेट टूट गया, बढ़िया लग रहा था। काट लें फूट जाएगा, अब यहाँ से काट के ना इसको दोबारा उगाएंगे तो दोबारा हो जाएगा, ये पेड़ वापस नीचे से काट के दोबारा गुड़ा देंगे। चल गया तो ठीक है, ख़त्म तो ख़त्म। मनु हमसे शरीफ तो कोई भी नहीं है, सबसे शरीफ तो हम ही हैं। वर्कआउट भी डबल डबल हो गया था, तो मैं थक गया था थोड़ी देर के लिए, सो गया था आराम से। और अभी जब उठा ना बाहर आया तो पापा पेड़ उखाड़ रहे थे वाला, और बारिश भी जैसा अभी अभी होकर रुकी है एकदम से। और हमारी गली में हमेशा आपको गायें देखने को मिलेगी, इसका रीज़न है सामने खाली प्लाट हुआ होना, उधर साइड में जो खाली प्लाट पड़े हैं उसके चक्कर में गायें ज़्यादा रहती हैं। गायें प्लाट हो भी ना, सब जगह पर गायें रहती हैं। मैं जा रहा हूँ संगम भाई के पास, उनको फ़ोन आया था, उनको बाइक की ज़रूरत है, तो उनको बाइक देने के लिए जा रहा हूँ मैं। हाँ भाई ऐसे आवाज़ मार के कर रहे हैं हाय एक बार पहले भी आए थे वीडियो में, वो इंटरेस्टेड है वीडियो में आने के लिए, वो चाहते हैं कि मैं भी वीडियो में आऊँ। जब भी मुझे देखते हैं ना गली में वीडियो बनाते हुए, तो साथ ही आवाज़ मार लेते हैं कि मेरे को भी लो आंटी कह रही है मेरे को भी लो। आंटी बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, हाय कर रहे हैं सबको। आ गए आंटी आप भी,
ये भैया पानी ही पानी हो रखा है शहर में आज फिर से दोबारा। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई आराम से आराम से और आराम से Together in our prime we were birds of a feather different kind we were life and through the pain we were never once so vain cut the cord हमारे घर पे क्रैश चेक किया जा रहा है एयर क्रैश वो साउंडिंग हार्ड हमारे घर में ऑनलाइन गैस मतलब लाइन से जो गैस आनी है ना उसका प्लानिंग चला हुआ है लगभग दो साल हो गए जब हमारे घर पे मीटर लगा था ये गैस वाला और यहाँ पर खुदाई हुई थी गली में गैस की पाइपें बिछी थी 3 साल हो चुके हैं मीटर लगे को अब चेक करने आ रहे हैं। मेरे सिस्टर के घर तो चल गई है गैस वहाँ पे तो ऑनलाइन चल चुकी है सिलेंडर से सस्ती पड़ती है सिलेंडर लगभग हमारे यहाँ पे है 1140 रुपये का यानी कि लगभग 85 रुपीज़ के जी पड़ रहा है शायद हमको सिलेंडर और इसका पड़ेगा 1 किलो का लगभग 45-46 शायद इतना कुछ पड़ेगा देखेंगे। बाकी अभी तक डिस्ट्रॉय उनका भी बिल नहीं आया फर्स्ट टाइम उनकी शुरू हुई है अभी उनका बिल आएगा फिर पता चलेगा क्या रेट पड़ी है। अभी हमारे यहाँ भी चलने की कोशिश में है इसीलिए वो सफाई कर रहे थे एकदम उसने बोला ना बहुत तेज हवा का प्रेशर आया भाई अभी वो हवा से चेक कर रहे हैं बाद में उसमें गैस चलाएंगे ऐसा कुछ होगा इनका अपना हिसाब किताब होता है बार बार आते तो रहते हैं पता नहीं क्या हुआ। All of the love from up above We used to feel like a glove